नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। तो देखिए, रेवाड़ी में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, बैट सिर में मारकर उसको मौत की घाट उतार दिया। 3 साल पहले की थी हत्या। अब कोर्ट ने उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना तथा उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। रेवाड़ी जिले में अपनी पत्नी की हत्या करने वाली दोषी को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। 3 साल पहले दोषी ने पत्नी के सिर पर बैट से वार करके मौत की घाट उतार दिया था। अब उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि पटौदी निवासी मनीषा की शादी फरवरी 2014 में रेवाड़ी जिले के गांव नांगड़िया रणमोख निवासी वीरपाल के साथ हुई थी। 2020 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से वे सब अपने घर आ गए और इसके बाद उनके आपस में बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद पति ने बैट से पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद ने ही पुलिस को फ़ोन करके कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस मौके पहुंची तो वह पत्नी के शव के पास ही बैठा मिला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब आगे कार्रवाई की जा रही है। आगे खबर की बात करेंगे तो रेवाड़ी के 3 युवकों की हरिद्वार में दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे में मौत हो गई है। कार के फरकच्चे उड़ चुके हैं। रेवाड़ी शहर निवासी 3 युवकों की उत्तराखंड के हरिद्वार में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। चारों युवक कार से हरिद्वार घूमने के लिए गए थे। रात में भादराबाद थाना क्षेत्र उनकी कार का एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद रेवाड़ी में उनके घर पर मातम छाया हुआ है। रेवाड़ी शहर के मोला कुतुबपुर निवासी विनय कुमार, हेमंत यादव, रोहित, दीपक एक कार में घूमने के लिए गए थे। इनमें से तीनों की मौत हो गई है, जबकि जो विनय कुमार है वो क्या है कि गंभीर घायल है। उसको वहाँ पर भर्ती कराया गया अस्पताल में हरिद्वार के ही, और आगे कार्रवाई की जा रही है। आज की खबरें यहीं तक। फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहिए हमारे चैनल को। देखना भूलें। धन्यवाद।